खबर रुड़की से है, जहां दो पक्षों में चले हैं हथियार समेत तीन लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से एक की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। एक ही परिवार के दो पक्षों में चले हैं हथियार। काफी दिनों से चल रहा था विवाद, घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रुड़की के नंगला इमारती गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर रुड़की से, जहां दो पक्षों में हथियार चले हैं, जिसमें महिला समेत तीन लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों में एक की हालत जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हमारे मंदिर में चाचा के लड़के आए गांव में से, चक्कू ले गए। उनमें मेरा भाई भी है, उनमें एक भाई भी है। उन्होंने चक्कू पीछे से मेरे को बाहर कर दिया, अंदर से बुला गाली दे रहे थे। बाहर मैं बाहर आया तो मुझे पहनता हूँ चक्कू ले गए, चक्कू ले गए उन्होंने मेरे एकदम चक्कू मार दिए। जो अब मेरी गाड़ी में भाग लिया एकदम से, जैसे मोहल्ले वाले आए। तो काफी दिनों से जो विवाद है वो चल रहा था, ये वजह बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ आरिफ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। आरिफ, दो पक्षों में हथियार चले हैं, एक तो हथियार चलने की वजह क्या है, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि महिला समेत तीन लोग इसमें घायल हुए हैं, तो उनकी स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से रुड़की के नगला इमरती गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जो धारदार हथियार चले हैं, वैसे तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये पुरानी रंजिश थी, लेकिन जिस तरीके से धारदार हथियार चले हैं उसमें तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। हालांकि जिस तरीके से एक घायल जो शेर अली है उसकी हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है और उस पर चाकू से हमला किया गया है, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से धारदार हथियार चले हैं, जिसको लेकर पुलिस भी बेहद गंभीर नजर आ रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है, वो पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। हालांकि जिस तरीके से तीनों घायलों का उपचार रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि एक की हालत काफी नाजुक है, जिसे हायर सेंटर भी रेफर किया। ये दोनों पक्षों में काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, उसको लेकर पुलिस ने कुछ सूचना दी है क्या? पुलिस की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि क्या ये वजह थी जिस वजह से खूनी संघर्ष देखने को मिला? देखिए, दोनों पक्षों में वैसे तो अक्सर तनाव बना रहता था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है उनका यही कहना है कि जिस तरीके से मामला रात हुआ है उसके बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस भी जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है, अब पुलिस केस दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। चलिए आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए।